तो यार आज Realme Wireless 3 और OnePlus Z2 ANC से रिलेटेड जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है आप लोग के माइंड में, उसको आज क्लियर करने वाले हैं। बहुत कमेंट आए हैं यार कि क्या हम OnePlus Wireless Z2 ANC के लिए रुके या फिर Realme Wireless 3 को बाय कर लें, जो उसकी पहली सेल आ रही है 12 जुलाई को और उसमें ये मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 1699 का। और OnePlus की अगर बात कर लें तो वो आएगा नेक्स्ट मंथ अगस्त में, उसकी प्राइसिंग 2300 रखी गई है और फर्स्ट सेल में कितने का सेल करेंगे कुछ आइडिया नहीं है और जहां तक हमें लग रहा है 2300 का ही मिलेगा। तो क्या OnePlus Z2 ANC के लिए हमें रुकना चाहिए या फिर Realme Wireless 3 की तरफ जा सकते हैं? तो ऐसा है ना, सारे डाउट्स यहां एकदम क्लियर करने वाले हैं। तो चलो आगे बढ़ लेते हैं बिना किसी देरी के। तो यहां शुरू में एक चीज बता दे रहे हैं OnePlus से रिलेटेड, जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि यहां पे आप डिस्क्लेमर में पढ़ सकते हो, Z2 ANC का जो लेटेंसी है वो वैसे ही बहुत कम है पुराने वाले की तरह 94 ms, और वो भी आप ऑन कर पाओगे सिर्फ और सिर्फ OnePlus डिवाइसेस पर जो कि सिलेक्टेड है। एक तो 94 ms ऊपर से सिलेक्टेड OnePlus डिवाइसेस, गेमिंग मोड होता है उनके फोन में, वहां जैसे ही आप ऑन करो गेमिंग मोड वो लेटेंसी ऑन हो जाएगी, लेकिन दूसरे डिवाइसेस पर ये लेटेंसी ऑन नहीं होगी। इवन Z2 जो पुराना वाला था उसमें हेमिलिटी ऐप का सपोर्ट नहीं था, इसमें आपको हेमिलिटी ऐप का भी सपोर्ट मिलता है जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्क्लेमर में, लेकिन उसके बावजूद गेमिंग मोड आप ऑन नहीं कर सकते हो। और साथ ही बता दें गूगल फास्ट पेयर जो लोगों को इंपॉर्टेंट लगता है उसका भी सपोर्ट नहीं मिलता है दूसरे डिवाइसेस पर, सिर्फ और सिर्फ OnePlus के सिलेक्टेड डिवाइसेस पर आपको मिलेगा। और ये तो अभी शुरुआत है दोस्त, और बहुत कुछ है जो आपको जानना जरूरी है। उससे पहले यार एक गुजारिश है, लाइक कर दे यार वीडियो को, शेयर भी कर देना यार, क्योंकि बहुत लोगों के लिए ये कंटेंट इंपॉर्टेंट होने वाला है और ऐसे ऐसी बात बताने वाले हैं जो पूरे YouTube पे आपको कोई नहीं बताएगा, गारंटी के साथ बोल रहे हैं। तो चलो अब आगे बात कर लेते हैं यार, और क्या आपको परेशानी हो सकती है OnePlus के साथ या फिर Realme के साथ। तो जो हमारा सजेशन है फिलहाल प्रेजेंट टाइम में, आप Realme Wireless 3 की तरफ बिंदास जा सकते हो अगर आपकी नीड एएनसी वाली बहुत ज्यादा नहीं है तो। 30 GB भी कम नहीं होता है, लेकिन 45 GB डेफिनेटली ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें जो रियलमी में बहुत बेटर मिलती है, जैसे कि बैटरी भाई यहाँ पे आपको 10 मिनट में 25 घंटे का टोटल प्ले बैक मिलता है रियलमी वायरलेस 3 पर, और OnePlus में 10 मिनट में 20 घंटे का प्ले बैक मिलता है। और ये जो प्ले बैक है ना यार, ये 50% वॉल्यूम पर कंपनी क्लेम करती है। और बता दें एएनसी होने की वजह से जब आप एएनसी ऑन करके यूज करोगे सारे जो टाइमिंग है 25 घंटा 20 घंटा ये सब कम होंगी, वो भी आगे बताएंगे। बाकी फुल जो बैकअप है वो Realme का है 40 घंटे और OnePlus का है 28 घंटे, जो कि 2 घंटे कम हो गया पिछले वाले OnePlus के Z2 वाले मॉडल से Z2 ANC में। और वही जब हम ANC ऑन कर देते हैं तो यहाँ पे जो Z2 ANC है उसकी प्लेबैक 50% वॉल्यूम पर ANC ऑन करके सुनोगे तो 20 घंटे रह जाएगी, और वहीं Realme में जब आप ANC ऑन करके सुनोगे ANC कोडेक के साथ 26 घंटे रह जाएगा टोटल प्लेबैक, 40 घंटे से 26 घंटे पर आ जाएगा। और वहीं पे जब हम कॉलिंग करते हैं ANC ऑन करके OnePlus में रह जाता है 16 घंटे का बैकअप, और वहीं पे Realme में ANC ऑन करके जब आप कॉलिंग करते हो लगातार तो 19 घंटे रह जाता है टोटल। और वैसे बता दें आपको जो कॉलिंग होती है ना जब भी आप करते हो विदाउट ANC भी तो 50% बैकअप ही देखने को मिलता है, चाहे कोई भी नेक बैंड हो किसी ब्रांड के हो। और वहीं अगर साउंड की बात कर ले तो बड़े ड्राइवर्स आते हैं Realme में 3.6 mm के, और वहीं OnePlus में आते हैं 12.6 mm के ड्राइवर, लेकिन साउंड क्वालिटी किसकी बेहतर हो सकती है? तो यहाँ पे यार Realme की हम कह सकते हैं थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, क्योंकि उसको हम ट्यून्ड कर सकते हैं Realme लिंक ऐप से काफी बेहतर तरीके से, क्योंकि उसमें इक्वलाइजर वगैरह और भी बहुत सारे मोड्स दिए हुए हैं। वहीं पे हेमिलिटी ऐप से भी आप थोड़ा बहुत ट्यूनिंग कर सकते हो, लेकिन Realme लिंक ऐप ज्यादा बेहतर है अगर हम साउंड क्वालिटी को ट्यून्ड करने की अगर बात करें तो। और वहीं बेस भी आपको ज्यादा मिलने वाला है Realme में बिकॉज ऑफ बिग ड्राइवर साइज। बाकी जब हमारे पास नेक बैंड्स आ जाएंगे तो रियलिटी भी आपको बताएंगे, लेकिन इसके पहले हम यूज कर रहे हैं OnePlus Z2 और Realme Wireless 2 ANC उसमें था इसमें नहीं है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो हम आपको उस हिसाब से बता सकते हैं क्या हो सकता है। बाकी Realme में यार 360 साउंड इफेक्ट भी देखने को मिलता है जो कि OnePlus में नहीं है। तो अगर आप साउंड का एक्सपीरियंस चाहते हो तो थोड़ा सा बेहतर मिलेगा आपको Realme में, OnePlus पर नहीं। और दोनों में यार कोई डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट नहीं मिलता, हाईरेस ऑडियो का सपोर्ट नहीं मिलता, तो ये चीज ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे OnePlus एंटी डिस्टॉर्शन एल्गोरिथम की बात करता है जो कि क्लीन और शार्प करता है साउंड क्वालिटी को, ऐसा OnePlus का कहना है। उसके अलावा यार गेमर्स के लिए कौन सा बेस्ट नेक बैंड रहेगा, तो यहाँ पे हम बता दें Realme बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि 45 ms की लेटेंसी मिलती है जो कि हर एक फोन में ऑन हो जाएगी और आप एक बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस का मजा लोगे 360 ऑडियो के साथ। तो फाइनेस्ट गेमिंग नेक बैंड है यार अंडर 3000 अगर हम कहें तो, और 1699 में आपको मिल रहा है सेल में, फर्स्ट सेल में, डेफिनेटली बाय कर सकते हो। बाकी गूगल फास्ट पेयर आपको Realme में मिल जाता है। ब्लूटूथ की अगर बात कर ले तो 5.3
3 देखने को मिलता है रियलमी में और 5.2 देखने को मिलता है वन प्लस जेड टू एनसी में, तो ये चीज ध्यान रखना। और वहीं पे कोडेक की अगर बात कर ले तो दोनों में ही आपको एचबीसी एसी देखने को मिलते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। बाकी ऐप सपोर्ट दोनों में ही है, लेकिन बेस्ट एक्सपीरियंस आपको रियलमी में मिलेगा ऐप का। और वहीं कॉलिंग की अगर बात कर ले तो यहाँ पे वन प्लस ने थोड़ा जोर डाला है, इन्होंने बोला है कि 3 माइक दिया हुआ है इन्होंने, वो भी AI नॉइस कैंसिलेशन के साथ कॉलिंग में। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमको ऐसा लग रहा है कि कॉलिंग बेहतर मिलेगी आपको वन प्लस जेड टू एनसी में। और रियलमी वाले में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं बताया हुआ है कॉलिंग से रिलेटेड। और वहीं डुअल पेयरिंग जो है दोनों में ही देखने को मिलते हैं, और इस बार वन प्लस ने अच्छा स्टैंड लिया है यार कि पिछले डिवाइस जो वन प्लस का था Z2 उसमें डुअल पेयरिंग देखने को नहीं मिलता था, जो कि बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था। अभी फिलहाल दोनों में आपको डुअल पेयरिंग देखने को मिलता है। और वहीं मैग्नेटिक ऑन ऑफ दोनों में ही आपको देखने को मिलता है, लेकिन रियलमी में थोड़े से फीचर्स बढ़ जाते हैं ऐप की वजह, जैसे कॉल वगैरह आप उठा सकते हो डायरेक्टली ईयरबड्स को डिटैच करके, तो ये चीज ध्यान रखना। और वहीं एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की अगर बात कर लें तो डेफिनेटली यहाँ पे वन प्लस विनर आता है। 45 dB की जो है नॉइस कैंसिलेशन, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिलता है, जो कि आराम से इजिली जो है आपके AC फैन या फिर जितने भी इन्वायरमेंट के सोर्स खराब होते हैं ना थोड़े बहुत, सब गायब करने वाला है, आपके कानों तक कुछ साउंड नहीं आने वाली है। हाँ, ये नहीं कह रहे कि ट्रेन ने हॉर्न मारा वो नहीं सुनाई देगा, लेकिन बहुत सारे आवाज जो है यहाँ पे आपको नहीं सुनाई देंगे वन प्लस में रियलमी के मुकाबले। लेकिन ऐसा नहीं है कि 30 dB खराब है, 30 dB भी बहुत अच्छा है हमारे हिसाब से, 30 dB भी अच्छा है, लेकिन 45 dB तो एक प्लस पॉइंट है ही अगर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की बात करें तो। और वहीं पे जो वाटर रेटिंग है वो IP55 देखने को मिलती है दोनों में, यानी बस बारिश में भीग सकते हो, पानी में डुबा नहीं सकते हो नेकबैंड को, समझ लो। और वहीं बिल्ड की बात कर लें, दोनों ही प्लास्टिक बिल्ड्स के साथ आते हैं, लेकिन एक प्रीमियम और अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आएंगे डेफिनेटली, क्योंकि इनके जो पुराने नेक बैंड्स और ईयरबड्स हैं बढ़िया सिलिकॉन बिल्ड के साथ आते हैं और अच्छी क्वालिटी के साथ आते हैं। यहाँ पे रियलमी वाले में वायर की थोड़ी सी कमी थी वायरलेस 2 में, वायर था वो कम अच्छा था, लेकिन इस बार वायर भी अपग्रेड कर दिया गया है, तो बिल्ड क्वालिटी दोनों की अच्छी रहेगी नो डाउट। और वन प्लस ने थोड़ा सा ANC पे ज्यादा ही ध्यान दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो FF माइक और FB माइक जो ऐड किए गए हैं वन प्लस में, जिसकी वजह से आपको एक बहुत ही बेहतर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का एक्सपीरियंस मिलेगा। तो काम तो किया भाई वन प्लस वालों ने, इसका Z2 ANC नाम क्यों रखे थे यार, इसको थोड़ा सा शायद लुक सेम है इस वजह से, लेकिन डायमेंशन यहाँ पे अलग हो सकते हैं। अगर आपको पूरा समझना है कि वन प्लस Z2 से वन प्लस Z2 ANC कितना डिफरेंस है, उसकी भी एक डेडिकेटेड वीडियो हमने बनाया है, जरूर देखिएगा ताकि आपके कंफ्यूजन दूर हो जाए और क्या आप अपग्रेड कर सकते हो Z2 अगर यूज कर रहे हो तो, उसका भी वहां पे आपको जवाब मिल जाएगा। और यहाँ पे एक छोटी सी बात बता दें यार, कोई भी नेक बैंड्स हो वो फास्ट चार्ज हो जाते हैं, जो मैक्सिमम आपको आउटपुट लेना है पावर अडैप्टर का वो है 5V 2A, जैसे कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है वन प्लस वालों ने। तो दिमाग में ये मत लाना कि 65W का चार्ज लगाएंगे तभी फास्ट चार्ज होगा, नहीं, 5V 2A सफिशिएंट है एक नेक बैंड को फास्ट चार्ज करने के लिए। और कोशिश किया करो जो इसके साथ केबल मिलती है ना उसी से अपने नेक बैंड को चार्ज किया करो एक बेहतर बैटरी लाइफ के लिए। और इससे एक फायदा और रहता है कि आपकी जो नेक बैंड की लाइफ होती है वो भी काफी बढ़ जाती है, छोटी सी बात है लेकिन ध्यान रखना। भाई यहाँ पे हमने मोस्टली हर एक चीज कवर कर ली है दोनों ही नेक बैंड से रिलेटेड, फिर भी अगर कंफ्यूज हो ना तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, हर एक कमेंट का जवाब देते हैं और सबका कंफ्यूजन वहीं दूर कर देते हैं। अगर एक ही चीज पे ज्यादा कमेंट आते हैं तो एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना देते हैं। इसके अलावा यार ये सारे प्रोडक्ट्स हम खुद अपने पैसों से बाय करेंगे और एक जेन्युइन रिव्यू आप तक लाएंगे, और हमारे चैनल पे आज तक जितने भी रिव्यूज आए हैं वो ऐसे आए हैं, सारे प्रोडक्ट्स हम खुद अपने पैसों से खरीदते हैं। उससे क्या होता है ना यार, हम एकदम अनबायस्ड रिव्यू दे पाते हैं और सच बता पाते हैं आपको किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि ब्रांड्स का दबाव नहीं रह जाता है हमारे ऊपर। और ये पॉसिबल भी हो पाता है आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप हमारा यूज करते हो एफिलिएट लिंक, जिसकी वजह से थोड़े बहुत पैसे जनरेट होते हैं जिनको हम इकट्ठा करके ये सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं और आप तक एक सच्चा और अच्छा रिव्यू ला पाते हैं। तो यार चैनल को सपोर्ट जरूर करना, आप लोगों का सपोर्ट बहुत मोटिवेट करता है अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने में। चलो यार मिलते हैं ऐसे ही सच्चे और अच्छे कंटेंट के साथ अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।